सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। सर 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 ना बोल रहे यार, देख कैसे ना बोल रहे। सरफेस केमिस्ट्री कितनी क्लास होगी कल? कितने पक्की बात है ना? देख लो एक बार, चेक कर लो। पक्की बात है, साथ भी आज बहुत बड़ा ध्यान रखते हो तुम। साफ आ रहा है ना सब? दिखाई दे रहा? अच्छा, मतलब मैं तो ठीक आ रहा हूँ ना। क्लास नंबर 7 आज। कल हमने क्लास की, कल की क्लास में बताया हमने क्या पढ़ा कि जो कोलाइड हो ना उसे हमने बांटने की कोशिश करी और कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ा। पढ़ा नहीं पढ़ा कोलाइड का वर्गीकरण, कि कोलाइड को किस तरह वर्गीकृत करा गया, कोलाइड को कणों के आकार के आधार पर वर्गीकृत करा गया। समझ में आया बात? ये पेट अच्छा देखा इंजन उन्होंने कैसा हो? देखो सरफेस केमिस्ट्री में ये पढ़ा था कोलाइड का वर्गीकरण, और जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी कल मेरे द्वारा शायद ये पढ़ाया गया था कि जो परीक्षण परीक्षित प्रावस्था और जो प्रक्षेपण माध्यम है उनके कणों के आकार के आधार पर पढ़ाया गया था कोलाइड का वर्गीकरण, शायद यही पढ़ाया था। ठीक, उससे पहले पढ़ाया गया था भौतिक अवस्था के आधार पर पिछले वाली क्लास में, और कल ये भी पढ़ाया गया था कि जो वो ना कणों के आकार के आधार पर पढ़ाया था, उससे पहले एक और पढ़ा था तुमने परीक्षित प्रावस्था के, परीक्षित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर शायद, है ना? ये पढ़ा था क्या? अच्छा, परीक्षित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण ये पढ़ लिया था अपना, कल की क्लास में ही पढ़ा था। समझ में आया बात? और लास्ट वाली लास्ट हम पढ़ लिए थे कि बहुआणविक कोलाइड क्या हो और बृहद आणविक कोलाइड क्या हो। याद करने का काम देखो तुम्हारा होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो जो मैंने ना समझाया हो और तुम्हारी समझ में ना आया हो, या तो देखो करना पड़ेगा। ठीक, एक बार के पढ़ने को तो धुरंधर पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर तो खता ही खाओगे। समझ में आया? और आज हम क्या पढ़ने वाले? अब तक तो हम कोलाइड को बांटा गया कि आज हम कोलाइड बनाना सीखेंगे। ठीक, और कल तुम्हें ये पढ़ाया गया था द्रव विरोधी कोलाइड क्या हो और द्रव रागी कोलाइड क्या हो। द्रव विरोधी कोलाइड क्या हो और द्रव रागी कोलाइड, द्रव रागी कोलाइड को हम द्रव इसे नहीं कोलाइड भी कहते हैं, सहचारी कोलाइड भी इसे कहते हैं, सहचारी कोलाइड, है ना? ठीक है, चलो तुम्हें ज्यादा जानकारी होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम ये पढ़ने वाले कि जो द्रव रागी कोलाइड हो, द्रव रागी जिसे द्रव इसे नहीं कोलाइड कहते हैं, उन दोनों के बीच में तो बड़ा प्रेम था। एस एन की लव स्टोरी सुनाई थी, समझ में आई बात? यह स्टोरी सुनाई थी, लव स्टोरी सुनाई थी, फिर एस एन की जबरदस्ती शादी करवाई थी, एस की एम के साथ शादी करवाई थी, एस की बी की, अच्छा बी की शादी शादी करवाई थी, बी के साथ शादी जबरदस्ती। तो वहाँ पढ़ा, वहाँ समझाया था द्रव विरोधी कोलाइड। जब द्रव विरोधी कोलाइड हम पढ़ाए थे तुम्हें कि जब द्रव विरोधी, एक तो द्रव विरोधी कोलाइड हो, द्रव विरोधी कोलाइड हो, सुनते रहना, द्रव विरोधी कोलाइड हो, एक हो द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव हो गया और कौन सा हो गया स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव्यसनी कोलाइड। अब जो द्रव्यसनी कोलाइड क्या हुआ, हिला दिया जिंदगी ये लगी। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यसनी कोलाइड की और द्रव विरोधी कोलाइड की। जो द्रव्यसनी कोलाइड है ये द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव विरोधी कोलाइड की खास बात थी, अगर इसमें कोलाइड कोलाइड बनाना हो तो एक तो परीक्षित प्रावस्था हो, एक प्रक्षेपण माध्यम। अगर परीक्षित प्रावस्था को आप प्रक्षेपण माध्यम में मिलाओगे आसानी से, अगर कोलाइड विलयन बन चुका तो समझ जाओ द्रव्यसनी कोलाइड होगा, कल ही पढ़ाए थे हम आपको। अगर आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बन रहा, जबरदस्ती मिलने मिलने की कोशिश कर रहे, जबरदस्ती शादी करवा रहे, ये ना ऐसा नाम का कैंडिडेट बबीता की जबरदस्ती शादी करवाई इसके साथ, ठीक, उसके बाद फिर तलाक हुआ, फिर दोबारा कभी पास आने का ना मौका नहीं मिला, पास आगे ना तो दूर दूर को भागने की कोशिश कर रहे। अरेंज मैरिज थी ना, कौन सी मैरिज थी? तो ऐसे नाम के कैंडिडेट की, बिना नाम के कैंडिडेट्स के साथ शादी करवा दी, कोई दिक्कत तो नहीं आता? जब करवा ही दी शादी, इसकी साथ इसकी शादी करवा ही दी, तो कभी एक साथ रहने का मौका मिला ना, दोबारा रहने की कोशिश करने के, लेकिन जबरदस्ती करवा सके नहीं करवा सकते जबरदस्ती। तो कल हमें ये जो पढ़ा था कि परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम को जबरदस्ती उनके बीच में अन्योन्य क्रिया करवाएगा ना, जबरदस्ती कोलाइड बना दिया, बनने की इच्छा नहीं आती। समझ में आया बात? यह ना तो एस की इच्छा थी ना बी की इच्छा थी, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जबरदस्ती कोलाइड बनाने का मतलब कता क्या हो, कोलाइड बनाने की, हम आज हम ये सीखेंगे कि कोलाइड बनाया कैसे जाएगा, कोलाइड बनाने की विधियां कौन कौन सी होंगी, कोलाइड का निर्माण कैसे होगा, आज यही पढ़ेंगे हम। कोलाइड का निर्माण आज की हमारी हेडिंग आई है, कोलाइड कैसे बनाया जाएगा और उसके लिए कौन कौन सी विधियां और कौन सी पेपर में आगी और कौन सी इंपॉर्टेंट और किसका चित्र इंपॉर्टेंट, किस हम चार्ट में बना सकते हैं ये बता दिया भाई जी।
और कौन सी तुम्हारी समझ में आई, बात समझ में आई? यहाँ तो तुम जो केमिस्ट्री का चार्ट बना के लेके जाओगे ना, यहाँ से एक तुम चित्र प्राप्त होगा और वो चित्र ना बहुत अच्छा तुम आराम से समझाओगे प्यार के साथ। समझना चाहते हो? अरे कोलाइड का निर्माण करना चाहते हो? चलो ये भी बता दो कोलाइड के कणों का आकार कितना कितना होता है? मतलब पूरे चैप्टर में एक तो बात याद ही तुम्हारे यहाँ आया समझ में, ये भी ना याद रहा तो भी अच्छी बात नहीं है, कोई दिक्कत? अच्छा मजाक तो ना करो मुझे, समझ में आया बात? अगर चलो तो दरविश दो जो दरविश नहीं कोलाइड होगा ना, दरविश नहीं उसका कोलाइड बनने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से कोलाइड बना हुआ, उसे क्या होता आसानी से कोलाइड बन जाएगा। हम दर विरोधी जो कोलाइड होगा उसमें जो प्रवस्था होगी प्रक्षेपण माध्यम होगा उसे जबरदस्ती मिलाकर उसका कोलाइड बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए दो विधियां बनाएंगे। इसका तो कोलाइड बनाने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से कोलाइड विलयन बना लेते हैं अपना, ऐसे समझ में इसका बनाएंगे कोलाइड विलयन, इनकी करवाएंगे जबरदस्ती शादी। अरेंज मैरिज का चक्कर चल रहा है, लव मैरिज वालों को फोड़ फोड़ का मार रहे, फेंक फेंक। जीवन काल में पर्सनली चला देता हूँ तुम्हें, जीवन काल में कभी भी तुम्हें लव स्टोरी में शादी करने का मौका मिला तो ना करो, रियलिटी बात बता रहा हूँ पर्सनली, समझने की बात। जीवन काल में कभी भी वे भी ये कह रहे हैं, वे भी यह बात कह रहे हैं, समझने की बात। लव स्टोरी में कभी शादी नहीं करनी चाहिए, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, समझ में आया? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पर्सनली बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कभी भी जीवन काल में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लव मैरिज कभी नहीं करनी चाहिए, लव स्टोरी कर लेनी चाहिए, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, समझ में आया बात है? ठीक, इसलिए कभी भावनाओं में बहकर घर वालों को छोड़ गए, ये वो उड़ जाओ उड़ी बाबा की तरह, फिर मुंह की खाकर घर ही आओगे। पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें, सलाह दे रहा हूँ, जीवन काल में लव स्टोरी कर लियो, लेकिन कभी भी ना लव मैरिज ही ना कर लियो। हाँ क्या कह रही? ऐसा मत पूछ, नहीं तो तैयार बैठा वापिस। लव स्टोरी जानते क्या हो? अभी समझाता हूँ, एक्सप्लेन। एक नायक हो, नायक समझते हो कि नायक कहते हैं लड़के को, और नायिका कहते हैं लड़की को, नायिका नहीं नायिका, हीरोइन जिसे बोलते हैं। कोई मूवी देखी थी ना आज तक? मूवी देखी हल्की मलकी क्या हो? कोई तो मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की वाली देखी, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। यार जो मूवी हो ना, मूवी देखना एक घर जाकर, पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ तो कौन सी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा तो लव स्टोरी क्या हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या अच्छा ट्यूशन का काम छूट जाएगा? ओहो जो मतलब इतना पढ़ते हो आप, जिस दिन छुट्टी आएगी उस दिन देख लेना। चलो तो दर विरोधी कोलाइड, दरविश नहीं कोलाइड जो होंगे उनके तो कोलाइड बनाने की जरूरत नहीं है, और जो दर विरोधी कोलाइड होंगे ना उनका तो देखो कोलाइड बनाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा। परीक्षित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों को करवाने की कोशिश करेंगे और कोलाइड बनाने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी हेडिंग यही है, कोलाइड का निर्माण। बात समझ में आई है? चले ठीक, तो कोलाइड का निर्माण ये भी समझ लो बेटे, कोलाइड का निर्माण कैसे होगा? कोलाइड का निर्माण, निर्माण आईएएस के नाम से एक कोचिंग सेंटर भी है। कोलाइड का निर्माण, कोलाइड बनाना चाहते हो? अब जो कोलाइड का निर्माण करना चाहते हो ना, तो इसके निर्माण की दो विधियां, कितनी? दो विधियां। और जो पहली विधि ना उसे बोलते हैं परीक्षेपण विधि, याद होना चाहिए, याद रखना। क्यों कह रहा हूँ परीक्षेपण विधि, ये बताएंगे परीक्षेपण विधि। कोलाइड का निर्माण करना चाहते हो, निर्माण करने की दो विधियां, समझाई बात? अरे भाई 12th क्लास में पास होना चाहते हो, पास होने के दो तरीके, नंबर फर्स्ट खुद भीतर लगन होना चाहिए, दूसरा पीछे तो प्रेशर होना चाहिए, समझ बात है? खुद भीतर लगन मिलती नहीं, इसलिए यहाँ प्रेशर प्यार से मिल रहा, समझ ले लो, समझ में आया बात है? ठीक, तो 12th क्लास में पास होने की कितनी विधियाँ? नंबर फर्स्ट भीतर खुद लगन होना चाहिए, दूसरे नंबर की प्रेशर होना चाहिए, दाब होना चाहिए, पीछे दाब लगना चाहिए, आया समझ में? दाब, कोई दिक्कत? ठीक, पहली विधि का नाम बताने जा रहे तुम, पहली विधि का नाम बताया गया कोलाइड के निर्माण की दो विधियाँ, पहली विधि का नाम है बेटे, आया समझ में? पहली विधि का नाम प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कौन सी विधि? और दूसरी विधि का नाम, दूसरी विधि का नाम रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। दोनों समझने की घबराने की जरूरत नहीं है, रासायनिक विधि भी जो समझाने जा रहा हूँ, पहले तैयार कर रहा हूँ अपना डाटा, पहले तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद भी जो परीक्षेपण विधि होगी
परीक्षण विधि में तुम दो विधियां पढ़ोगे, कितनी विधियां? दो। एक विधि का नाम होगा ब्रेडिक आर्क विधि, ब्रेडिक आर्क विधि, ब्रेडिक। इसमें तुमको कोलाइड बनाकर दिखाऊंगा, पेपर में आती है, ब्रेडिक, ब्रेडिक आर्क विधि। आर्क का मतलब चिंगारी हो, आर्क विधि, चिंगारी लगाएंगे आज देखो, कोलाइड बना के दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक, मजा आने वाला। दूसरे नंबर बड़ी कारक विधि, एक और उसका नाम है पैप्टीकरण। पैप्टीकरण बोलने में शर्म आ रही है क्या? पैप्टीकरण, पैप्टी, पैप्टीकरण विधि का नाम है। इस विधि के अंदर भी कोलाइड बनाएंगे हम, इस विधि के अंदर भी कोलाइड बनाएंगे, और कोलाइड के कणों का आकार जो होगा 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। एक लाइन तो तुम्हारे याद ही हुई है, या तो याद ही रखो, कुछ नहीं याद है, चैप्टर का नाम भी याद रखो, सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है। भले हिंदी में नहीं पता इसका नाम पृष्ठ रसायन है, आया समझ, इंग्लिश में तो पता है इसका नाम सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है, कोलाइड बनाना सीख रहे, समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं। प्रक्षेपण विधि या कौन सी विधि? रासायनिक विधि। प्रक्षेपण विधि भी दो हमारी, एक तो ब्रेडिक आर्क विधि, एक पैप्टीकरण विधि। अच्छा, प्रक्षेपण विधि का क्या मतलब होगा और रासायनिक विधि का क्या मतलब होगा? दोनों का मतलब भी तो समझाओ, क्या प्रक्षेपण विधि हो और क्या रासायनिक विधि हो, इसका मतलब क्यों बनाई दो विधियां, कहना क्या चाह रहे हैं आप? अब थोड़ा इसे भी समझ लो, परीक्षण विधि का क्या मतलब हो और रासायनिक विधि का क्या मतलब, फिर तुमसे पूछूंगा अभी क्या बताया अभी, कोई दिक्कत? ठीक, लव स्टोरी, ओके। अच्छा, अगर कोलाइडी कण उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर, बेटे 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए, ये बात तुम्हें पता? अगर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा ना तो ही कोलाइडी कण होगा। अगर इसके कोई पदार्थ उसके कणों का आकार अगर 1000 नैनोमीटर से अधिक, कितना? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा किसी पदार्थ के कणों का आकार, तो एक काम कर दो, फिर तोड़ दो ना, और तोड़ दो छोटे छोटे भागों में तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि उसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में चला जाए। दोबारा फिर सुन लो, समझाने जा रहा हूँ मैं। अरे भाई, किसी पदार्थ के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो, तो एक काम कर दो ना, उस पदार्थ को तोड़ दो ना, तोड़ने के बाद उसे 1000 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में ले जाओ, तोड़ को जो चीज बड़ी से तोड़ को छोटा बना लो। और यही तो इस विधि को तो बोलो परीक्षेपण विधि, यानी बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करना, बड़ी चीज को। कौन सी विधि? परीक्षेपण। इसमें भी हम यही काम करेंगे, इसमें भी यही कांड करेंगे, ऐसे समझ में। इसमें हम बताई, इसमें यही कारनामे करेंगे, इसमें यही कारनामे करेंगे। कौन से कारनामे करेंगे? यही कारनामे करेंगे, बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट कर देंगे, बड़े जो जो बड़े बड़े कण होंगे ना उन्हें तोड़ देंगे। इस विधि में यही काम होगा, इसमें भी यही काम होगा। अब बात समझ में आएगी, यानी बड़ी चीज को बड़े जो बड़े कण होंगे, बड़े कण होंगे, ठीक, उसे कहीं बदल देंगे छोटे कणों में, छोटे कणों में। पेपर में क्या सवाल पूछेगा बता दूंगा, वराव ना, ये नहीं पूछना है कोलाइड का निर्माण, परीक्षेपण विधि, रासायनिक विधि ना, ये पूछेगा सीधा ब्रेडिक आर्क विधि, वो समझाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि तो तैयार कर दूं, समझ में आया बात? यार सीधा जाओगे किसी रिश्ता शादी कर लोगे क्या? पहले बिचौली को बुलाओगे, बताओगे, देखा दिखाई होगी, पृष्ठभूमि तैयार होगी, ऐसे समझ में। दहेज, बदतमीज, दहेज को बंद कर देना चाहिए। ब्रेडिक आर्क विधि और पैप्टीकरण में दहेज का विरोध, दहेज प्रथा का मैं विरोध करता हूँ, दहेज प्रथा को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, इससे गरीब आदमी का बहुत शोषण हो रहा। रासायनिक विधि में क्या होगा? अच्छा, परीक्षण विधि समझ में आई? बड़े बड़े जो कण होंगे ना कोलाइड के, कोलाइड जो कोलाइड के कण नहीं है, जो 1000 नैनोमीटर को आकार पार कर चुके, उन्हें तोड़कर ना थोड़ा छोटा बना दो, बना दोगे, इन दोनों विधियों में ऐसा ही होगा, देख लेना तुम, पक्की बात है। परीक्षण का मतलब समझ में आया? परीक्षण का क्या मतलब? अब रासायनिक विधि का मतलब समझ लो, यानी कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम है, कम है, कम 1 नैनोमीटर से कम है, आए समझ में? तो एक काम कर दो ना, इन्हें जोड़ दो, जोड़ दे, कितने होशियार है कि तुम जोड़ दें, आए समझ में? इन्हें घास में इधर तोड़ा होगा तो इधर जोड़ देंगे, देखो ये तो रासायनिक विधि, तो रासायनिक विधि में यही होगा, छोटे 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 जो कण होंगे ना, जो 1 नैनोमीटर से कम आकार वाले होंगे, उन सबको जोड़कर उनका आकार 1 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा। जैसे 1 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर के बीच में जाएगा, कोलाइडी कण तैयार हो जाएंगे, कोलाइड बन जाएंगे, यानी ऐसा ही कुछ हम करने वाले। हाँ हाँ ऐसा ही करने वाले, बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? तो ब्रेडिक आर्क विधि समझ में आई, पैप्टिकन समझ में आया? अब समझाई नहीं अभी, तो बस इतना तो पता, क्या होने वाला पता लग चुका। तो परीक्षेपण विधि का क्या मतलब होगा और रासायनिक विधि का क्या मतलब होगा, इसका मतलब समझ में आया नहीं आया? अब मैं अपनी कहानी आगे बढ़ा लूं, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, ठीक। कौन सी विधि पढ़नी चाहिए हम? फिर कौन सी विधि पढ़नी चाहिए? फिर कौन सी विधियां पढ़नी चाहिए? पेपर में कौन सी आ गई? स्टार लगाने जा रहा हूँ, आए समझ में? पेपर में कौन सी आ गई? स्टार लगाने जा रहा हूँ, 3 स्टार लगा दिया ना, इसका मतलब पक्का आने वाले 100%। कॉपी खोल कर देख लेना, पिछले साल की पेपर खोल कर देख लेना, ब्रेडिक आर्क विधि पर टिप्पणी लिखनी होगी।
अब ये पता लग चुका था बरेडी कारक विधि में क्या करते हैं, कोलाइड बनाते हैं, बड़े बड़े कणों को तोड़कर ना छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देते हैं ताकि उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में चला जाए। जैसे ही उसके बीच में चला जाएगा तो कोलाइड तैयार हो जाएगा। ये तो करना ठीक, यानी बहुत जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, इतनी आसान नहीं है ये, इतने एक अनुभव के साथ समझाया जा रहा। तो मुझे थाली में परोसा हुआ मिल रहा है, किसी टीचर के पास चला जाना, सामने किताब खोल कर बस लिखवाए लगे हुए, लिखवाने पर लगे हुए, तो अनुभव किसी काम का हो। समझ में, बहुत सरल साधारण तरीके से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? लगे मत लेना। मैं मास्टर आज तक मैं देख रहा ऐसे टीचर को जानता हूँ मैं, सुबह से लेकर शाम तक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तब भी केमिस्ट्री किताब में देख पढ़ा रहा, एक सब्जेक्ट की हालत है उनकी। समझ में आया बात या? अभी तुम बाहर को गए नहीं, थोड़ा बाहर को घूमो देखो, पता करो कैसे पढ़ा रहे। समझ में आया? और समझ में कुछ आता नहीं, बस कहेंगे ठाओ रट लो चलो, मॉडल होगा ये होगा वो होगा गाइड होगा, किसी काम की थोड़ा ये है, हर चीज़ समझने के लिए बनाई गई। टाइम लो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना जाना चाहिए, पढ़ाई को समय देना चाहिए। अच्छा, बरेडी कारक विधि में पता लग चुका क्या करने वाले हैं। बरेडी कारक विधि में कोलाइड बनाने वाले हैं, कोलाइड कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, कोलाइड कण बहुत बड़े होंगे। ये प्रक्षेपण विधि, ये बरेडी कारक विधि एक प्रकार की प्रक्षेपण विधि, समझ में आई बात है? कौन सी विधि है? पेप्टीकरण भी एक प्रकार की प्रक्षेपण विधि, और प्रक्षेपण जो विधियाँ हों उसमें बड़े कणों के जो बड़े जिन कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो उन्होंने तोड़कर कि इन विधियों के द्वारा 1000 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के बीच में रह जाता, तभी तो कोलाइड कण तैयार होगा। उसी कण कैसे ला जाता, वही वही खेल, उसके पीछे केमिस्ट्री समझना, फिर पेप्टीकरण समझ लेना। ओके, आर यू तैयार, रेडी? फिर कौन सी विधियाँ समझेंगे? इस तरह करके तुम अपने घर चले जाओगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर फिजिक्स पढ़ लोगे, फिर अपने घर चले जाना, बस और क्या आती। समझ में आया बात है? ठीक, मैं तो वालों को हम क्लास लेने वाले सुबह को 5 बजे से, 5 से लेकर सुबह के 7 बजे से, कोई दिक्कत है वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या दिक्कत हो रही? अपने घर वालों को बोल देना छोड़ते चले जाएंगे तुम्हें, फिर नहीं तो रात को ना यहाँ से। बात सुनो, हाँ हाँ रजे लेकर आ सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जैसे भी आना, यहाँ कौन देख रहा है यार, सर्दी में कौन देख रहा है, जैसे भी आना आ जाओ, बैठ के पढ़ लो। बच्चे यहाँ पहले इस टाइप पढ़ा करते, पूरे पूरे दिन बैठे रहते थे, बस पढ़ते रहते थे इधर बैठ के, और बस मेरे तो पूछे ही चले जा रहे, पूरी रात उन्होंने ही बिता दी। समझ, लड़कियाँ भी कम से कम 10-11 बजे ट्यूशन तो जाया करते थे, उनके नंबर भी तो भरमार मात्रा में आया करते थे। क्यों? क्योंकि उनका अधिकांश टाइम ही बीतता था। अब डेढ़ दो घंटे भी ट्यूशन में, 1.5-2 घंटे के बाद में चले जाते हैं, तो जिस माहौल में रहते हैं उसकी छत्र छाया पड़ जाती है। समझ में आया बात है? इंसान उसी माहौल में रहकर उसी क्षेत्र का बनता चला जा। ठीक, अगर तुम यहाँ से मेरे घर के बराबर में से गुजरे ना, तो तुम्हें पढ़ाई की खुशबू आ गई, अलग रेस्पेक्ट का भाव अंदर ही सुबह है उभर कर चला आओ, चाहे कोई मान लो या ना मान लो, अंदर से निकल का वो कि यहाँ कि टीचर टाइप के लोग रहते होंगे, अरे पढ़ाओ, थोड़ा आदर भाव का सम्मान का चेहरे वैसे वैसे दे कर चला। समझ पाया बात है? और जब यहाँ रहेगा जो बच्चे पढ़ते होंगे, तो किस क्या पढ़ते होंगे रात को, रात पूरी रात रात यहीं रुकते थे बच्चे, सोच लड़कियाँ नहीं, लड़के की बात कर रहा हूँ। समझ पाई बात? पढ़े पढ़े रहते बस सुबह तक लेकर शाम तक, ठीक है, बैठे बैठे सवाल ही निकाल लो जाते, बस एक एक सवाल पूछ कर अपना पूरा कर लेते, फिर पेपर देने जाया करते थे। जब सब चीज़ पूरी थी फिर पेपर देने जाते, फिर नंबर क्यों ना हो, नंबर तो आने ही, फिर तो भरमार मात्रा में नंबर आया करते थे। तो ये प्रचलन बंद हो चुका, अब बच्चे होंगे उपभोक्तावादी, उपभोक्तावादी उपभोग करा बस, थोड़ा बड़ा पढ़ा, ऊपर ऊपर का पढ़ा, चल चले चले निकल लो बस, 12th क्लास तक ही सोच रखते हैं अपनी, उसके बाद उनकी सोच है नहीं, उनको वही भारी पड़ रहा है, सोशल मीडिया का प्रभाव है। चलें हम पढ़ेंगे बरेडी कारक विधि, कौन सी विधि, फिर पढ़ेंगे हम पेप्टीकरण विधि, फिर पढ़ेंगे हम रासायनिक विधि, और सबके अंदर कोलाइड बनाने वाले, इसमें भी पता लग चुका क्या क्या होगा तुम, ठीक है? चले, मुझे थोड़ा आराम आराम से पढ़ाने की आदत है यार, और थोड़ा समझा समझाया कर, नहीं तो मैं भी रेल बना दूं, मजा दिन होता। फिर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बरेडी कारक विधि और पेप्टीकरण विधि, दोनों समझाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ तुम अपने रफ के अंदर इतना सा छोटा सा चार्ट बना लो, चलो देख लो, कोलाइड बनाना सिखा रहे, प्रक्षेपण विधि में हम समझेंगे बरेडी कारक विधि, और बरेडी कारक विधि पर थोड़ा ध्यान पूरा आराम आराम से प्यार के साथ समझना, क्योंकि फिर तुमसे सुना भी जाएगा कि बताओ क्या बताया गया। समझ में आया बात? आराम आराम से चलेंगे प्यार के साथ, कोई जल्दी नहीं है। ब्रेडिक, क्या नाम है वैज्ञानिक का नाम था ब्रेडिक, ब्रेडिक आर्क विधि, आर्क निधि नहीं विधि,
ब्रेडी कार की विधि नहीं, बारिश नहीं, इधर देख लो। तो ब्रेडी कार की विधि क्या था इसमें, क्या हो, पहली बात, खास बात, इस विधि के अंदर ना धातुओं के कोलाइड बना जाते हैं, किसके, पहली खास बात, पहली पॉइंट याद रहेगा, धातु के कोलाइड बना जाते हैं, किसके कोलाइड बना जाते हैं, तो देखो धातु के जो कोलाइड बने जाते हैं वे धातु कौन कौन से हो सकती होगी, अरे भाई प्लेटिनम की धातु भी हो सकती है, सबसे महंगी धातु पूरी दुनिया में प्लेटिनम, सोने की धातु भी हो सकती है, अरे भाई इसकी नहीं होगी तो फिर उसके बाद एजी की भी हो सकती है, एजी की, सुनो जी नहीं, एजी एजी चांदी होगी भाई, एल्यूमिनियम भी हो सकती है एल्यूमिनियम भाई, एफई भी हो सकती है भाई, डोटेड 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 ईटीसी भी हो सकती है, पहली बात समझ में आई। हम पूछेंगे बताओ जो ब्रेडी का आर्क विधि हो उसके अंदर कौन किसके कोलाइड विलयन बन जा, आप बोलोगे धातु के कोलाइड विलयन बन जा, इतना तो बता ही दोगे। हम पूछेंगे बेटा भाई धातु कौन कौन सी हो, बताओ कि गुरु जी प्लेटिनम भी हो सकते हैं और सोना भी हो सकते हैं, आज समझ, आज मैं तुम्हें सोने वाली धातु के कोलाइड विलयन बना के दिखाऊंगा, और तुम चाहे किसी के बना लेना, मैं तुम्हें सोने के कोलाइड विलयन बना के दिखाऊंगा, तुम्हें मेरा नाम भी सोना ही है, गोल्ड हो उसका मतलब भी, आया समझ में, तो मैंने भी इसी धातु को सिलेक्ट करा कोलाइड विलयन बनाने के लिए, समझ में आया बात, चलो आ जाओ चलते हैं, क्या हो सको रहा तुझे, सर्च कर लेना। अब हम क्या करने वाले, एक लेने वाले बर्तन, ठीक, कटोरा नहीं बर्तन, बर्तन के अंदर ना दो सोने की छड़ खड़ी कर देने वाले, और सोने की छड़ कहाँ से लाओगे, इतने अमीर होते सोने की छड़ होती है तो यहाँ क्या करते हैं, नहीं दो सोने की छड़ खड़ी करके लेकर आओ, उसके अंदर ला कर रख दो, आ जाओ देखो ध्यान से देखो ना अच्छे तरीके से, ये हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन, इस बर्तन के अंदर हमने जल भर लिया, क्या भर लिया, भर लिया जल, पक्की बात, अरे पक्की बात है, क्या भर लिया, जल भर दिया, बाहर क्या है एक बर्तन, बर्तन के अंदर जल भर लिया, चलो इसके अंदर सोने की दो छड़ डाल दो, छड़ का ओड़ पिट गया, छड़ हो गया, किसकी छड़ है, तो झपटा मार लो इसमें, सोने की छड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अंदर, किसकी छड़ है, छड़ जानते हो किसे कहते हैं, ठीक है फिर छड़ बता ना, छड़ तो बता, ठीक है मैं कभी नहीं आया इसके बारे में नहीं पता, तो दो सोने, सुन लो ध्यान से, दो सोने की छड़ होगी, जब सोने की छड़ हो ही गई, सुन लो ध्यान से, सोने की छड़ हो ही गई है, इन सोने की छड़ों को क्या करने वाले, ध्यान से सुन, इन सोने की छड़ को ना किसी बाहर से हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ देंगे, ये बैटरी हाई वोल्टेज की बैटरी, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और जो पहले वाली छड़ होगी ना जिसकी तरफ प्लस होगा वो कैथोड की भांति कार्य करने स्टार्ट कर देगी, कैथोड की तरह, किसकी तरह, कैथोड, और जिसकी तरफ माइनस होगा वो एनोड की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देगी, एनोड की, बात समझ में आई, एक छड़ तो कैथोड की तरह कार्य करेगी, एक एनोड की तरह कार्य करेगी, कोई दिक्कत, अभी इसमें सोने, अभी हमने बैटरी लगाई तो उसके बीच में पता क्या होगा, तुरंत जैसे तुम बैटरी से जोड़ दोगे और बैटरी को ऑन कर दोगे, स्विच ऑन कर दोगे, तो उसमें करंट चला जाएगा और पानी के अंदर ना जबरदस्त मात्रा में चिंगारी उठेगी, चिंगारी की तो बोलते हैं हम आर्क, आर्क, इसलिए तो नाम रखा ब्रेडिक, नाम वैज्ञानिक थे ब्रेडिक, ब्रेडिक ये एक्सपेरिमेंट ब्रेडिक नहीं करा था, बुडबक ने नहीं, ब्रेडिक ने, ब्रेडिक याद रहेगा किसके द्वारा करा गया था, अरे ब्रेडिक भूल के बुडबक याद है ना, ब्रेडिक, ठीक, फ्रेडिक नहीं, ब्रेडिक लिखा हुआ है, रचना करो, इतना कर लिया, इतना करने के बाद ब्रेडिक ने क्या करा होगा, कुछ ऐसा करा होगा, उन्होंने देखा कि जो सोना था ना, सोने के जो कण थे, ये सोना धीरे धीरे घुलना स्टार्ट हो चुका है, और जब घुलना स्टार्ट हो चुका ना, इसका तो वाष्पीकरण होना शुरू होगा, सोना उड़ के ऊपर चला जा रहा, वाष्पीकरण ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, चिंगारी तो उत्पन्न हो ही रही थी, सोने का वाष्पीकरण होगा, सोने का क्या होगा, वाष्पीकरण, सोने जो छड़ती ना धीरे धीरे वो डिजोल्व होनी शुरू होगी, घुलनी शुरू होगी, आया समझ में, क्या शुरू होगी, घुलनी शुरू होगी और धीरे धीरे उसका वाष्पीकरण होना शुरू होगा, वाष्पीकरण समझे, इसे बोलते हैं वेपराइजेशन, जैसे उसका वेपराइजेशन शुरू हुआ, आया समझ, जो गोल्ड था ना उसका वेपराइजेशन हो रहा था, वाष्पीकरण हो रहा था, और वाष्पीकरण जा रहा ऊपर, लेकिन हमने देखा यार ये तो इसके अंदर घुलना चाहिए था, कहाँ चला जा रहा, ये सोने के जो कण थे ना वो घुलना स्टार्ट हो चुका, और कोलाइड विलयन तैयार हो चुका, लेकिन तैयार तो हो चुका, ऊपर चला जा रहा, बदतमीज, हमें तो कोलाइड कण बनाना थे,
ये जो घुलने के बाद ऐसा करा हम ना, तो इसके जो सोने थे इसके कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो चुके, लेकिन दिक्कत एक ही, ऊपर चला जा रहा बदतमीज। बात समझ में आई बात है? सोने का वाष्पीकरण हो चुका, इतना हुआ, फिर सोचा गया वैज्ञानिकों के द्वारा, अच्छा ऐसा नहीं बात चलने की, इसके चारों तरफ ने बर्फ के टुकड़े लगा दिए। किसके टुकड़े? अब बताओ, जो जो चीज़ें पानी गर्म हो चुका होगा तो फिर वाष्पीकरण ऊपर उड़ेगा, चारों तरफ बर्फ के टुकड़े लगा दिए ना, तो फिर वाष्पीकरण नहीं होने का, वाष्पीकरण रुक जाएगा। बात समझ में आया? बर्फ के टुकड़े क्यों लगा इसके चारों तरफ? वाष्पीकरण की क्रिया को रोकने के लिए, ताकि सोने का वाष्पीकरण ना हो, इसके चारों तरफ ने बर्फ के टुकड़े लगा दिए, और एक बर्तन लगा दिया, एक और बर्तन लगा दिया, ऐसा करके बढ़िया करा, मौज आ गई, रोक दिया सोने का वाष्पीकरण। अब ये क्या थे, जो कोलाइडीकरण थे, जो कोलाइडीकरण वाष्पीकरण हो, जिनका वाष्पीकरण हो रहा था, जो कोलाइडीकरण तैयार होते, अब कोलाइडीकरण बनकर तैयार हो गए। अब दिक्कत एक भी थी, यहाँ तक तो कोलाइडीकरण तो बनाने थे, कोलाइडीकरण बन चुके, सोने के कोलाइडीकरण बने। अगर आप इसकी जगह प्लेटिनम की धातु लेते प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम के कोलाइडीकरण बन जाते। अब मुझे तो अपना नाम अच्छा ही लगा, इसलिए मैंने सोने के कण ले लिया। अरे थे नाम को कुछ आई नहीं समझता, अब ये लगेंगे हम तो लोहा, कहाँ योरा लोहा है, ये मत तुम्हें खिलाने की मत करना यार, ठीक है, सारा लोहा लवा निकल जाएगा, ठीक है। तो तुम चांदी की छड़ ले लेना, किसकी? चांदी की छड़ ले लेना, जब चांदी की छड़ तुम उसके कोलाइडी भी लेना तैयार, कोलाइडी तैयार कर लेना, बन चुके। एक दिक्कत और, कोलाइडी कण बन तो चुके, आज तुम सोने टूट चुका, सोना टूट नहीं गया, टूट घुलना नहीं स्टार्ट होगा, टूटना स्टार्ट होगा, उसे कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच चला गया, इसलिए कोलाइडी कण तैयार हो गए। हमें एक दिक्कत और थी, अभी कोलाइडी कण बन तो चले, पहले तो ये तो ऊपर जा रहे थे, अब हमने एक काम करा, चारों तरफ बर्फ के टुकड़े लगाए, ताकि वाष्पीकरण की क्रिया को रोका जा सके, इनका संघनन हो सके, संघनन का मतलब इकट्ठे हो सके। अब दिक्कत एक भी थी, दिक्कत एक पता क्या थी, हमें इस बात का डर था, अभी हमने वाष्पीकरण की क्रिया को तो रोक दी, क्योंकि अब जैसे चारों तरफ तो ठंडा वातावरण प्रदान कर दिया, और तुम बता जो ठंडा पानी हो ना वाष्पीकरण उसका ऊपर हो नहीं सकता, ये बात तुम जानते हो, इतना तो अनुभव होगा। अरे भाई खुली प्लेट रख दो और नीचे आग ना जल लगाओ, ऐसे समझ में, तो पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, जब गर्म होगा जब तो वाष्पीकरण होगा, इसका मतलब बैटरी लगा के हम वाष्पीकरण कर रहा होगा, सोने के कण कोलाइडी कण बन तो चुके थे, अब इनका वाष्पीकरण हो रहा था, जैसे वाष्पीकरण हो रहा था हमने चारों तरफ बर्फ के टुकड़े लगाए, तो बर्फ के टुकड़े लगाने के दौरान क्या हुआ, इनका वाष्पीकरण तो रुक चुका। अब दिक्कत एक हो चुकी, दिक्कत पता क्या हुई, दिक्कत ये हुई जो जो कोलाइडी कण थे, नए कोलाइडी कण थे, इनका संघनन हो चुका, लेकिन हमें इस बात का डर था ये दोबारा तो नहीं मिल जा, दोबारा मिल जा पूरा का पूरा बड़ा कण बन जाएगा, फिर जब पूरा बड़ा कण तैयार हो जाएगा फिर कोलाइडी कण ही नहीं होने गए, अब समस्या यहाँ खड़ी होगी, अब क्या करना चाहिए, अब कुछ करना पड़ेगा। इतनी बात बताओ समझ में, हमें एक बात का डर नहीं गया, अरे भाई कोलाइडी कण टूट चुका, सोना टूट चुका, पानी में तैर भी रहा, वहीं से कोलाइडी कण तैयार हो चुके हमारे, समझ में आई बात, उनका कार्य करने, अब इस बात का डर है कहीं आपस में मिल जाए, दोबारा मिलकर फिर पूरा पूरा बड़ा करना तैयार कर लें, तो फिर हमने फिर बड़ेडी कारक विधि हमारी फैल हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों के द्वारा फिर इसमें पता क्या मिलाया गया, के ओ एच की मात्रा मिला गई बाहर से, किसकी मात्रा मिला गई, के ओ एच, के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिलाया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। इसका क्या होगा, ये जो जो कण थे ना, ये वाले कण, ये कण थे जो कोलाइडी कण थे, जो सोने के जो कोलाइडी कण थे, मेरे नाम के जो कोलाइडी कण थे, तेरे नाम से जी लूं मेरे नाम से मर जाऊं, ऐसे समझ में, किसके कण थे, सोने के कोलाइडी कण, उसके अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर बाहर बाहर से क्या डाल दिया, के ओ एच डाल दिया, और जो बेटी जो के ओ एच हो ना, इसमें जो के हो इस पर तो प्लस हो, और जो ओ एच हो ना इस पर हो माइनस, बाय समझ, के पर क्या होगा प्लस, ओ एच पर क्या होगा माइनस। अब जो ओ एच पर माइनस हो ना, जो सोने के कण थे सबके ऊपर, ओ एच जो माइनस हो इसकी तरफ जाएगा, ऊपर चिपक जाएगा, इसके ओ एच माइनस, इस पर भी माइनस आ जाएगा, ओ एच माइनस, इस पर भी ओ एच माइनस आ जाएगा, सब ओ एच माइनस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा, सब पर माइनस आवेश आएगा, नहीं सब पर कैसा आवेश आएगा, माइनस आवेश, ये ओ एच ने इसके ऊपर जाकर चिपक जाएगा, के ओ एच का अवक्षेप इसके अंदर नहीं मिलाया गया, इसलिए तो मिलाया। अब पता क्या हो, ये भी समान आवेश है, ये भी समान आवेश है, और जब फिजिक्स के पहले चैप्टर पढ़े थे, समान आवेश कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते, प्रतिकर्षित कर, अब चिपक नहीं सकते हैं, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता, समान आवेश के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता, ये एक दूसरे से और कभी आकर्षित नहीं हो सकते। पता लग गया मैंने के ओ एच मिलाने का फायदा क्या हुआ, इसका मतलब कोलाइडी कण बन के तैयार हो चुके, ये एक सुंदर सा कोलाइडी वीरियन, ये इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, मजा आया कि नहीं यार, एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब गया भाड़े में, ऐसे समझ में। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, अंतरिक्ष में कट जाएगा तुम्हारा।
इसमें क्या होगा देख लो, बहुत आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, ध्यान तो समझना चाहिए तरीके से। सबसे पहले एक परखनली ले लेते हैं, यहाँ परखनली, क्या नाम है उसका? ठीक, परखनली बता, देखिए देखिए कितने परखनली कैसी हो, लेबोरेटरी में गए तुम, आईटीएम मान लो इसके अंदर ना तुमने नीचे ताजा अवक्षेप भर दिया, इसका नाम पता क्या है, एजीसीएल, एजीसीएल का ताजा अवक्षेप भर दिया, एजीसीएल इसका नाम सिल्वर क्लोराइड हो, उसका ताजा अवक्षेप तुमने प्रखनली में भर दिया, इसका नाम है प्रखनली, प्रख नालिनी प्रखनली। ठीक, अभी प्रखनली के अंदर तुमने एजीसीएल का ताजा अवक्षेप भर दिया, ताजा अवक्षेप भर दिया, ताजा अवक्षेप दूसरे बाद दूसरे भरने के बाद पता क्या करोगे, इसमें बाहर से ना एक विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाओगे, कौन सा पदार्थ, अच्छा विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हो, विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ हो जो जल में घोले जाने पर आसानी से घुल जाते हैं, ऐसा समझ, विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने से आसानी से घुल जाते हैं, जैसे नमक जल में डालोगे तुरंत घुल जाएगा, समझ में आया बात, यहाँ डालोगे विद्युत अपघट्य पदार्थ, लेकिन पता विद्युत अपघट्य पदार्थ ना ऐसा डालना इसके अंदर, इसके अंदर ऐसा विद्युत अपघट्य पदार्थ डालना जिसके आयन उसमें मैच करते हो, यानी कोई एक चीज दोनों में कॉमन हो, विद्युत अपघट्य पदार्थ में और ताजे अवक्षेप में एक चीज कोई चीज कॉमन होनी चाहिए, कॉमन, कोमल नहीं कॉमन, विद्युत अपघट्य पदार्थ अपघट्य डाल देंगे विद्युत अपघट्य, ऐसा बताओ जो इसके अंदर आता हो, HCl डाल दूं, अच्छा KCl डालना चाह रहे हैं, चलो KCl डाल देंगे आपकी मर्जी, चलो KCl डाल दो, क्योंकि Cl इसमें भी, Cl इसमें भी आया समझ में, अब जो जो Cl Cl तो जो Cl Cl पता क्या होगा, जैसे तुम विद्युत अपघट्य पदार्थ इसके अंदर मिलाओगे ना तो Ag नहीं है, धातु नहीं है, आया समझ में, Ag है नहीं है, तो इसके जो क्लोराइड, ये Ag अलग होने की कोशिश करेगा और Cl अलग होने की कोशिश करेगा, अब कभी चिपकने के भी, क्यों चिपकने के, Cl उसके अंदर भी, Cl उसके अंदर भी, अब जो Cl होने इस पर ऋणात्मक चार्ज हो, कैसा चार्ज हो, इस पर Cl पर भी कैसा चार्ज होगा, ऋणात्मक, इसके Cl पर भी, इसके Cl पर भी, इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेंगे, अगर आपस में संगोनित हो जाएंगे तो उसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर पार कर जाएगा, लेकिन 1000 नैनोमीटर पार नहीं करना, हमें तो इसे तोड़ना, तोड़ना Ag को तोड़ना, तो टूटा कैसे, क्योंकि इसमें Cl और विद्युत अपघट्य पदार्थ में ऐसा ही मिलाया, उसके अंदर भी Cl, तो Cl Cl को प्रतिकर्षित करेगा, जब प्रतिकर्षित करेगा तो इनके कणों का आकार टूट जाएगा, यही टूट जाएगा नीचे, मैंने कहा देखो प्रखनली है हमारे यहाँ, प्रखनली में हमने AgCl का ताजा अवक्षेप डाल दिया, उस तो भारत में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया, मिलाने के बाद इस प्रखनली को हिला दिया, हिलाने के बाद क्या होगा, इसमें जो AgCl होगा ना वो अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद ना जो Cl और जो Cl होगा भी कभी संगुणित भी नहीं होगा, आपस में मिलने का भी नहीं, मिलने का क्यों नहीं, क्योंकि इधर इस पर, उस पर भी Cl है, इसमें भी Cl है, एक ऐसा पदार्थ लेना जिसमें दोनों के आयन कॉमन हो गई है, आए समझ में, तो ये जो Cl होगा ना, Cl होगा माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा, इस प्रकार हमें कोलाइड विलयन प्राप्त होगा, ये तो बहुत सरल है, समझ में आई बात है, पता लगा क्या क्या करना, सबसे पहले क्या लेना, प्रखनली ले लेनी, उसके अंदर क्या भर लेना, AgCl का ताजा अवक्षेप भर लेना, उसके बाद उस विद्युत अपघट्य पदार्थ डालोगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसा ही डालना जो उसके अंदर कॉमन आता हो, क्या तो Ag कॉमन आता हो उसके अंदर, Cl कॉमन आता हो, हमारा है Cl कॉमन, ऐसे ही पदार्थ को ले लिया हमने, क्यों डालना, उससे क्या Cl Cl को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इस पर ऋणात्मक आवेश हो, इस पर ऋणात्मक आवेश, इस तरह क्या होगा, जो Ag से है ना, जो Ag वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद उसके जो कण हैं अलग हो जाएंगे, और उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में चला जाएगा, इस प्रकार हमें कोलाइड विलयन प्राप्त होगा, किसी बच्चों के यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, डाटा में एक बार पढ़ गई बता रहा हूँ तुम, बहुत आसान है, देख लो, समझ में आया बात है, ठीक, सर्वप्रथम एक प्रखनली लेते हैं, ले ली प्रखनली, ये तो मैं था कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बहुत आसान है, ताजा बना हुआ अक्षेप AgCl भर लेते हैं, AgCl भर ताजा बना अक्षेप, दूसरा आएगा देखो दीवार का तथा इसमें विद्युत अपघट्य HCl तथा KCl भर देते हैं, HCl भर दो ये नहीं भरना तो फिर KCl भर दो, तुम्हारी मर्जी कोई सा पदार्थ भर दो, भर देते हैं जो ताजा बना हुआ अक्षेप होता है, जो जो ताजा बने हुए अवक्षेप को विघटन कर देता है, जो ताजा अवक्षेप था इसे विघटित कर देता है, तोड़ देता है, टूटना तोड़ देता है, जिससे कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाता है, इस प्रकार कोलाइड विलयन प्राप्त होता है, ऐसा समझ में है आसान, बनाओ चित्र को।